क्या आपने कभी अस्तित्व में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है? जी हाँ, अब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ये सभी चीजें संभव हो रही है। हम बात कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग, थ्री डायमेंशनल प्रिंटिंग की। आप देख रहे हैं कॉलेज विद नॉलेज, मैं हूँ आपका दोस्त नीलेश खोना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग में कुछ ऐसी बेसिक टेक्नोलॉजीज जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है और कुछ ऐसे अनबिलीवेबल एप्लीकेशंस जहां 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे इंडस्ट्रीज को एक नई दिशा मिली है। 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिजिटल 3D मॉडल के आधार पर नंबर ऑफ लेयर्स में मटेरियल्स को जमा करके एक फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। सभी 3D प्रिंटिंग प्रोसेसेस को एक साथ काम करने के लिए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स और मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रोडक्ट को 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया जाता है और फिर उसे CD, पेनड्राइव, ईमेल, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के द्वारा मशीन को भेजा जाता है। और जैसे ही डिजिटल फाइल मशीन को मिलती है, मशीन आपको प्रोडक्ट बनने में कितना समय लगेगा बता देती है। 3D प्रिंटिंग बाकी सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अपोजिट है, जिसमें मेटल या प्लास्टिक मटेरियल का किसी भी तरह का वेस्टेज या कटिंग नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स शेप्स बाकी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं बना पाती, वो 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाना संभव है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज या प्रोसेसेस जो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। FDM, SLA, SLS और PolyJet। FDM, Fused Deposition Modeling। FDM 3D Printing Technology Scott Crum द्वारा विकसित की गई और फिर Stratasys Limited द्वारा 1980 के दशक में अमल में लाई गई। अगर आपने 3D Printed इंसान की स्टैचू देखी है तो चांसेस है वो FDM 3D Printer का इस्तेमाल करके बनाई गई होगी। इसके वर्किंग की बात करें तो FDM 3D Printer में प्लास्टिक फिलामेंट को पिघलाकर नोजल के माध्यम से बिल्ड प्लेटफॉर्म पर लेयर बनाई जाती है। ऐसे ही लेयर बाय लेयर बनती रहती है। एक लेयर कम्प्लीट होते ही नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है। ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है जब तक प्रोडक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार न हो जाए। FDM 3D प्रिंटर कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला 3D प्रिंटर है जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमन एडवांस स्ट्रक्चर्स और कंपोजिट सेंटर द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड बोट यानी नाव का निर्माण किया गया है, जिसके नाम पर 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। SLA, स्टेरियो लिथोग्राफी। SLA 3D प्रिंटर का आविष्कार जक हल द्वारा 1986 में किया गया, जो 3D सिस्टम्स कंपनी के फाउंडर भी है। वर्किंग की बात करें तो SLA 3D प्रिंटर लिक्विड पॉलीमर्स को लेयर बाय लेयर सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस में सभी लेयर्स को अल्ट्रावायलेट लेजर और एक्शन वाई डायरेक्शन गैल्वो स्कैनिंग मिरर के जरिए पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोसेस में सर्वप्रथम पॉलीमर्स को सेमी लिक्विड फॉर्म में गर्म किया जाता है और अल्ट्रावायलेट लेजर कॉन्टेक्ट के दौरान लिक्विड पॉलीमर हार्ड एंड टफ सॉलिड 3D प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। SLA 3D प्रिंटर्स में काफी तरह के ओरिएंटेशंस का उपयोग किया जाता है, पर बेसिक मैकेनिज्म करीब करीब सभी में समान रहती है। SLA को आमतौर पर सबसे एक्यूरेट और बेटर सरफेस फिनिश 3D प्रिंटर प्रोसेस के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए SLA 3D प्रिंटर काफी सारी इंडस्ट्रीज में भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, उदाहरण के तौर पर एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मेडिकल, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। SLS, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। SLS का आविष्कार अमेरिकी व्यवसायी और शिक्षक जिनका नाम डॉक्टर कार्ल डेकर था, उन्होंने 1980 दशक के मध्यांतर में SLS टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया था। इसकी वर्किंग की बात करें तो SLS टेक्नोलॉजी SLA टेक्नोलॉजी के बराबर ही है, सिर्फ इस टेक्नोलॉजी में लिक्विड पॉलीमर की जगह स्पेशल पाउडराइज मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हाई पावर इंफ्रारेड CO2 लेजर के माध्यम से सख्त और सॉलिड 3D प्रोडक्ट बनाया जाता है। इस प्रोसेस में हाई इंटेंसिटी लेजर की मदद से पाउडर टफ किया जाता है और लेयर बनाई जाती है। बिल्ड प्लेटफॉर्म थोड़ा नीचे की ओर सरकता है और फिर से न्यू पाउडर मटेरियल इनपुट किया जाता है और लेयर बनाई जाती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है जब तक प्रोडक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार ना हो जाए। SLS टेक्नोलॉजी की खास बात है, आप बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट बनाने में कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर नायलॉन पाउडर, सेरेमिक्स, रबर और तो और आप कांच, मेटल्स, अलॉयज के भी प्रोडक्ट आप इस SLS टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। SLS टेक्नोलॉजी के हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी पार्ट्स और चॉइस ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स के बदौलत काफी सारी इंडस्ट्रीज इसका उपयोग कर रही है। SLS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल SpaceX अपने रॉकेट इंजिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी कर रहा है। PolyJet, इस टेक्नोलॉजी को MJ, मटेरियल जेटिंग और वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में गर्म वैक्स मटेरियल के छोटे छोटे ड्रॉप में बिल्ड प्लेटफॉर्म पर लेयर बनाई जाती है और UV रेज इन सभी लेयर्स को सॉलिड बनाती है। इसी तरह लेयर बाय लेयर बनती रहती है जब तक प्रोडक्ट तैयार न हो जाए।
एमजे 3D प्रिंटर हाई रेजोल्यूशन पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जाना जाता है, इसीलिए इस तकनीक का ज्यादातर इस्तेमाल डेंटल और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी 0.014 mm तक है। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से थिन वॉल्स और कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक जैसे प्रोडक्ट्स आसानी से मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में मल्टीपल जेटिंग हेड्स की बदौलत आप बहुत से कलर्स का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट बनाने में कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में 3D प्रिंटिंग का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और हमारे लाइफ में एक नए परिवर्तन को दिशा दे रहा है। प्रोस्थेटिक लेग 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल ने विकलांग लोगों को एक नई आशा की किरण दी है, जिसमें प्रोस्थेटिक लेग, हैंड, आर्म और भी इत्यादि जैसे प्रयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसकी खास बात है आपके शरीर के दूसरे अंगों के अनिरुद्ध समान अंग 3D स्कैनिंग और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल करके उपलब्ध कराए जाए। इसी तरह एक इंडस्ट्री जो 3D प्रिंटिंग का खूब इस्तेमाल कर रही है वो है डेंटल इंडस्ट्री। जी हाँ, डेंटल इंडस्ट्री में ज्यादातर 3D प्रिंटिंग से पोर्सेलेन फ्यूज से मेटल क्राउन यानी आर्टिफिशियल टीथ का निर्माण किया जाता है, जो दिखने में ओरिजिनल टीथ जैसा ही दिखता है। इसी तरह मेडिकल में बहुत सी जगह 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला 3D प्रिंटेड हार्ट भी शामिल है, जो अभी भी डेवलपिंग और इम्प्रूविंग स्टेज में है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी 3D प्रिंटिंग के जरिए काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रही है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अभी रिसेंटली L&T लार्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्माण की गई भारत की सर्वप्रथम 2 मंजिला इमारत, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। ये इमारत L&T कैंपस के 700 स्क्वायर फीट एरिया में बनाई गई है। इस इमारत को बनाने में सिर्फ 106 घंटों का समय लगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात थी L&T ने खुद स्वयं बनाए हुए मटेरियल कंक्रीट मिक्स का इस्तेमाल इस 3D प्रिंटेड बिल्डिंग के निर्माण में किया है। दुबई भी 3D प्रिंटिंग के जरिए बहुत से प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड ऑफिस भी शामिल है, जिसका निर्माण 2690 स्क्वायर फीट में किया गया है। यह ऑफिस दुबई के एमिरेट्स टावर कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसे प्रिंट करने में सिर्फ 17 दिनों का समय लगा और 3 महीने इंटीरियर डिजाइनिंग का काम चला। इस ऑफिस के निर्माण में सिर्फ 7 मजदूरों की जरूरत पड़ी और 10 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स की मदद से प्रोजेक्ट को पूर्ण किया गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कार्स, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स और इत्यादि प्रोडक्ट्स बनाने में कर रही है। एक और इंडस्ट्री जो आप सोच भी नहीं सकते वो है फूड इंडस्ट्री। जी हाँ, फूड इंडस्ट्री भी 3D प्रिंटिंग के जरिए एक नए फ्यूचर की ओर इशारा कर रही है। उदाहरण के तौर पर फूड इंक रेस्टोरेंट लंदन, इस रेस्टोरेंट की सभी चीजें 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाई गई है। जी हाँ, यहाँ खाना भी 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया जाता है ना इंटरेस्टिंग। इसके अलावा ला बोस्कोना जो स्पेन में स्थित है, ला एनोटेका जो बार्सिलोना में स्थित है और भी इत्यादि बहुत से रेस्टोरेंट विश्व भर में 3D प्रिंटेड फूड के जरिए लोगों को मनोरंजन और आनंद के साथ साथ एक नए फूड एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं। यकीनन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपिंग फेज में है, पर समय के साथ साथ सभी टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशन प्रभावी हो जाते हैं और शायद ये भी हो सकता है अगले कुछ वर्षों में इसे हम अपने डे टू डे लाइफ और घर में इस्तेमाल करने लग जाए। आप 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, थैंक यू।